गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और ये इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश विद विश्वकर्मा सर। इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर स्टार्टिंग एक पोएम का नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, इन्होंने लिखी है पोएम। और हम आज क्लास 9th की फर्स्ट पोएम का रिव्यू ले रहे हैं, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। और इनके जो कवि हैं, जिन्होंने पोएट ने लिखा है इसको, उनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। अब इनकी जन्म तारीख है 26 मार्च 1874, मतलब 1874, सैन फ्रांसिस्को। ये अमेरिका में बहुत ही फेमस जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, सैन फ्रांसिस्को। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर मूवी वगैरह बहुत ज़्यादा शूटिंग होती है। और 26 जनवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। इस कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी है, कुछ पोएम्स तो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इनके बारे में एक बात कही जाती है कि ये एक अमेरिकन पोएट थे, पर इन्होंने पॉपुलैरिटी सबसे पहले गेन की थी वो इंग्लैंड के अंदर की थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी इंग्लैंड में हुई थी, उसके बाद में अमेरिका में इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, ठीक है। तो ये संक्षिप्त जीवन परिचय हमने पढ़ा, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट इनका पूरा नाम था। और छोटा नाम इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहा जाता है, फ्रॉस्ट भी बहुत बार कहा जाता है। और काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखते हैं ये और लिखी हुई है। अब इसमें देखो, सबसे पहले नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की बात करी यहाँ पर। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो भी पोएम्स लिखते थे उसमें अक्सर प्रकृति पहले होती थी, प्रकृतिवादी कवि हुए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यहाँ पर एक पोएम लिखी है जिसका नाम है पोएम द रोड नॉट टेकन। मतलब इसमें देखिए, इसमें रोड जो है वो सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म मतलब संकेत है, कहना कुछ और चाह रहे हैं ये, पर रोड का एक एग्जांपल दिया, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पोएम में कि रोड जो वो ले नहीं पाए, जो उन्होंने लिया नहीं, मतलब रास्ता जो उन्होंने अपनाया नहीं अपने जीवन में, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो अक्सर क्या होता है लाइफ में, हम भी जो है बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये चीज़ सिलेक्ट करें या ये करें। अक्सर आप भी कहीं शॉप पे जाते हैं या कहीं स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बैग दिखते हैं, तो आप भी बड़े डिलेमा और कन्फ्यूज़न में रहते हैं ये देख के कि मुझे कौन सा बैग खरीदना चाहिए, या बुक्स हुआ, नोटबुक्स हुई। तो ऐसे डिलेमा में क्या होता है, अक्सर आपको प्रॉब्लम्स आती है। सेम कंडीशन किसके सामने, पोएट के सामने भी है। और पोएट जो है एक जंगल में खड़े हैं, इसका पूरा ब्रीफिंग में मैं आपको सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ कि एक्चुअली ये पोएम जो है वो पूरी सेट हुई है एक जंगल के अंदर, ठीक है। और इसको कहा गया है येलो फॉरेस्ट। येलो क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय जो है वो पतझड़ का मौसम है और सारे पत्ते जो है पीले होके जो है नीचे गिरते रहते हैं। इस वक्त क्या होता है, रोड पे पत्ते ढक जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या पत्ते, पत्तों से रोड, और जंगल का रास्ता है तो वहाँ कोई कंक्रीट की या सीमेंट की सड़क नहीं है, वहाँ पर नॉर्मल से रास्ते जैसे होते हैं वैसे ही रास्ते हैं। पर इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको पता नहीं है, कोई हेल्प करने वाला है नहीं, और उन्हें एक रास्ते पर चलना है और आगे बढ़ना है, और उसी रास्ते से ये पता चलेगा कि किस प्रकार जो है उनके डिसीजन जो होते हैं वो लाइफ को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे द रोड नॉट टेकन, मतलब एक ऐसा डिसीजन जो उन्होंने नहीं लिया। रोड का मतलब जो होता है वो यहाँ पर जो है रोड ही है, पर इस पोएम में रोड को पोएट जो है कंपेयर करना चाहते हैं अपने डिसीजन से, कि अपने लाइफ में कौन से डिसीजन, निर्णय जो है हमने नहीं लिए, और किस प्रकार से डिसीजंस जो होते हैं वो लाइफ में बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और डिसीजन से ही क्या होता है लाइफ में पूरा सेटलमेंट होता है। जैसे आपके निर्णय होंगे, जिस प्रकार से आप
चाइल्डहुड में निर्णय लेंगे, बचपन में या जब स्टूडेंट लाइफ होती है तब, तो वही निर्णय होते हैं जो आगे चलकर आपको कामयाब बनाते हैं। यदि आप सक्सेसफुल हैं तो ही आपके निर्णय की वजह से हैं, और अगर आप अनसक्सेसफुल हैं तब भी आप अपने निर्णय की वजह से ही हैं, यही पोएट इसमें कहना चाह रहे हैं। और आज मैं थोड़ी सी इसकी ब्रीफिंग दूंगा।